दोस्तों कैसे हैं? आज 21 तारीख है और टाटा मोटर्स में आज देखेंगे आप थोड़ा बड़ा दिखा है। आज जो शेयर लेके आया वो मैं आपके सामने टाटा मोटर्स लेके आया। ऑलरेडी मैं इसको बहुत पहले आपको दे दिया था एक बार टाटा मोटर्स, और उसका सब्जेक्ट था टाटा मोटर्स गैल वेस पानी में। और वापस आप देखेंगे मेरे वीडियो लिस्ट में जा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा ये। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा गैल वेस पानी में टाटा मोटर्स। ये 130 से 150 का टारगेट दिया हुआ था, ये एक महीना पहले आपको दिया हुआ है। चलिए आज उसी पे रिव्यू लेके आया था और डिटेल बताने आया था कि चार्ट पे और अब कैसा लग रहा है, अब क्या अपसाइड ले लिया क्या। अल्टीमेटली ये तो लो आपको 164 का तो दिखाई दिया, तो 150 जो बताया था उसके टारगेट के आसपास आई गया। अभी 80 लाख का वॉल्यूम हो रहा है इसमें और फाइनेंशियल भी अच्छा इसने दिया है। रिसेंटली ये अपने अपने 30 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस भी कर रहा है, 19 तारीख को किया था तो अपने लगभग 21 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। 69% बाइंग है, फाइनेंशियल अच्छा है, डिलीवरी परसेंटेज जो इसकी हर समय 22% रहती है वो 22% चल रही है। इसके मूविंग एवरेज आपको बता ही दिया। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको एक मिनट, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ ही रहा है, यहाँ से कम हुआ 36 से 79 था, 36 के बाद आप देखेंगे तो 42.79, अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, तब हमें बाई कर लेना चाहिए क्या 100%। कोई ना कोई अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अच्छी खासी, रिलायंस टैक्स सेवर, SBI, रिलायंस इक्विटी, रिलायंस लार्ज कैप, तो रिलायंस इसको अच्छा खासा बाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं रहा कि हम छूट जाए, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप कभी नहीं छूटे, आप अभी नहीं छूटे। वो बड़े बड़े फंड हाउस हैं उनको लेने दीजिए, हम छोटे छोटे लोग हैं, आप अभी भी पीछे नहीं है। जब मैं आपको अर्स में बताता हूँ कि जब आप बाइंग आएगा किसी पे भी जिस पे भी मेरा रिकमेंडेशन होगा तो मैं आपको पहले आके एक बार दिखा दूंगा। अभी देखिए आज भी इसकी P/4 है, बहुत कम है, बुक वैल्यू इसकी 0.55 है और टाटा मोटर्स बिरला जी कभी जाएंगे नहीं तो क्या हमें बाय कर लेनी चाहिए? अभी भी इसके जो वर्किंग है और फाइनेंशियल है वो अभी सुधरे नहीं है। तो अभी भी मैं इस पर आपको बाय रिकमेंडेशन अभी स्टिल नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि इसमें फर्दर अभी जब तक फॉल 150 के तक नहीं जाता, 164 गया है और उससे नीचे भी हो सकता है, 135 तक एक बार नहीं जाता है, तब तक मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। और एक चीज़ और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जिसमें आपको देख के खुद लगेगा कि प्रमोटर होल्डिंग तो उठ रहा है लेकिन प्रमोटर को क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको अपने शेयर को प्लीज करने की, अपने शेयर को गिरवी रखने की क्या ज़रूरत थी इनको, अगर फाइनेंशियल एटलीस्ट ये तो उठा लेते। तो ये चीज़ देख करके फाइनेंशियल का जो एक बहुत बड़ा चीज़ है, सब चीज़ है, सब चीज़ अच्छा इनका चल रहा है। आदमी गिरवी शेयर कब रखता है? जब उसको फाइनेंशियल नीड्स होती है, अदरवाइज वो रखता नहीं। तो ये गिरवी क्यों नहीं हटाया जा रहा है? चलिए जितने लोग जिसको जो जो कहना कहेंगे आपको दिखाएंगे, देखते रहेंगे आप। तो आज जो क्या हुआ, आज एक बार कोट इसका देख लेते हैं आज क्या रहा इसका, और हम देखने की कोशिश करते हैं क्या अभी अच्छा चल रहा है क्या, ये अब चलने लगा क्या, या किस लेवल है पे जहाँ पे हमको बाई करना चाहिए। अरे आप बोल तो देते हैं कि नहीं बाई करो, लेकिन कहाँ करो, सब तो बाई करने के लिए बोलते हैं इसको, वो भी बताते हैं। आज 21 नवंबर है, आप देखेंगे क्लोजिंग 184 रुपये 15 पैसे को हुआ है, ओपन हुआ था 183, लास्ट डे की क्लोजिंग 183.75 की, ये हाई 443, 52 विलो हाई 443, आपको मालूम है 600 589 से लगभग ये गिर रहा है। और आज का क्लोजिंग अपर 183.75 186 के रेंज में, ये इतना जब गिर चुका है 600 से तो भी अपने हाई को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है। डिलीवरी भी इसमें 23% की हो रही है, 21 से 23% की डिलीवरी भी हो रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल भी आप बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट जाकर के आप देखेंगे तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ नहीं दिखेगा प्रॉब्लम, अच्छा खासा गैप इनको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए ये जो 13,000 करोड़ की जगह 17,000 करोड़ का सेल हुआ है, अब टोटल इनकम फ्रॉम अदर ऑपरेशन 13,000 करोड़ की भी, रॉ मेटेरियल कंजम्पशन आप देखेंगे सब चीज़ मिला करके देखेंगे तो प्रॉफिट जहाँ 36 करोड़ की थी 614 के बाद 342 करोड़ की प्रॉफिट आई। लास्ट आप कह सकते हैं कि लास्ट जून से घटा है ये,
तो जून के कंपैरिजन में थोड़ा आप सोच सकते हैं कि इसको लॉस हुआ, 500 की जगह 300 हुआ है। बट आप अब देखिए पुराने 36 के सामने 342 हुआ है सितंबर 17 से, तो अच्छा हुआ है। चलिए मार्च 18 से भी देखेंगे तो आप 257 की जगह 342 है, तो प्रॉफिट तो अच्छा है। EPS जहाँ निगेटिव हो रहा था वहाँ पे आप लास्ट मार्च में आपको दिखा या 3 जून में देखा आपको 3.48 रुपये और 31 पैसे, तो सेल भी लगभग बढ़ रहा है लास्ट क्वार्टर से देखें चाहे लास्ट ईयर से देखें, और प्रॉफिट भी लगभग बढ़ रही है। प्रॉफिट यहाँ पे 563 था, तो उसमें जो मेन था इसमें डिप्रिसिएशन बढ़ा है, और अब देखेंगे तो इसमें और भी इंक्रीज डिक्रीज, स्टॉक भी जो था पहले पुराने में ज़्यादा गिरा था, अब इस बार स्टॉक में भी थोड़ा सा जो ट्रेडेड गुड्स है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके चक्कर में थोड़ा प्रॉफिट गिरा है। तो ये प्रॉफिट लॉस छोड़ देते हैं, अभी एक बार इसको अपने चार्ट पे जाके आते हैं कि क्या होता है, और एक बार अगर डेरिवेटिव में पुट कॉल देखें तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है मेरे को, अगर पुट कॉल देखें तो 29 नवंबर का 184 का है, ये साइड पुट है ये साइड कॉल है, तो यहाँ पे मेरे को देखने को जो मिल रहा है वो देखने मिला 170 पे इसको 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और आज जो ऐड हुआ है 180 पे ओपन इंटरेस्ट 18 लाख का 64,000 का ऐड हुआ है, पुट की तरफ एडिशन हो रहा है, सपोर्ट बढ़ रहा है 180-185 पे इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश हो रहा है, बाइंग साइड में आपको 195 पे बाइंग हो रहा है, तो शायद ये 170 से 195 के दायरे में रहना चाहता है, ऐसा बहुत दिन तक तो नहीं रह सकता, इसको तो अल्टीमेटली कोई डिसीजन तो देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन करता हूँ, जब तक ये 205 क्रॉस नहीं करता है, जो कि आप देखेंगे लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो आप डेली बेसिस पे इस पर देखेंगे तो 50 दिन का डेमा है, या वीकली चार्ट पे भी जा करके देखेंगे तो यहाँ डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप बनाया था जहाँ से गैप ओपन हुआ था, तो जब तक ये 205 क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, और अभी भी इसमें 130 का सपोर्ट है जो कि जाके टच कर सकता है, आप देखेंगे तो 135 का एक सपोर्ट है, 135 अभी भी इसको यहाँ पे जाके टच करने की क्षमता रखता है, अभी भी इसमें बाइंग पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए। हाँ अब तो देखो बड़े बड़े जो एनालिस्ट है वो तो बाइंग अब यहाँ से करना चालू कर देंगे, अच्छा खासा ये फॉल हुआ था तो यहाँ से बाइंग तो होगा बड़े बड़े लोग, लेकिन अभी आपको नहीं करनी चाहिए इसको, अगर बाइंग करना ही है मैं बताऊँ अगर मेरे से पूछे, अगर मेरे को करना हो तो मैं 267 के ऊपर ही करूँगा, जब ये 23% से ऊपर निकल जाएगा अपने फॉल का एटलीस्ट वहाँ पे करूँ जहाँ सिक्योर है, और वहाँ पे भी मैं करता हूँ 267 के पास या 265 के पास करता हूँ तो 433 रुपये डबल तो मिलेगा ही मुझे। अभी अगर मैं यहाँ फंड फंसाता हूँ और 205 ही क्रॉस नहीं करने में इसकी हालत ख़राब है, 205 को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपका फंड भी ज़्यादा टाइम तक फंसेगा, और ऐसा नहीं है कि इसमें बाइंग नहीं मिलेगी, तो बेहतर क्या है कि आप 205 में पोजीशन बनाएं या नीचे 150 के पास बनाएं, अगर आपको 150 देखने को मिलता है 135 देखने को मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पे इकट्ठा करें इसको, 184 थोड़ा मिडवे में है, और अगर ये रेंज बनाना चाहता है तो आपको बता ही दिए चार्ट पे जो यहाँ पे 172 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 195 जो आपको मिल रहा है 170 यहाँ पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर में 195 में थोड़ा बाइंग आज हुआ है एडिशन हुआ है, तो इस रेंज में 170-195 में आप रहना चाहते थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको मेरे अंदाज से, जब ये आपको टाटा मोटर्स वापस आपको 135 के आसपास दिखे, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ ये लेवल दिया हुआ है यहाँ पे सपोर्ट है इसका, तो इस सपोर्ट के आसपास आपको बाइंग करनी चाहिए, 135 अबव 40-50 जो भी दिखे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए मेरे अंदाज से, ये अच्छा रहेगा आपके 184 से अच्छा रहेगा अगर आपको बाइंग करनी है, और अगर आपको फंड ज़्यादा दिन के लिए फंसा के नहीं रखना है, आपको लगना है कि नहीं अब तो ये मूव करेगा, जहाँ से ये प्योरली मूव करेगा और उसके बाद फंड नहीं फंसेगा, उसका जो लेवल प्योर लेवल आता है वो 267 आता है, 267 के बाद इसमें प्योर बाइंग है जहाँ से ये आपको 433 तक का लेवल आपको हो सकता है 6 महीने के अंदर दिखा देगा, 267 के बाद 433 जाते हुए इसको 6 महीना नहीं लगेगा, लेकिन अभी 267 क्रॉस करते हो सकता है 2 साल भी लग जाए, तो अब आप समझिए कि कहाँ पे क्रॉस करेगा कहाँ अपने को मालूम नहीं, अभी तो ये 180-195 का दायरा ही घूम रहा है, इसी में गैप बना रहा है फॉल, और आप देखिए कंटिन्यूस एक फॉल पे फॉल पे फॉल लोअर बॉटम बना रहा है,
और आज भी अगर डेली चार्ट पे देखें तो निगेटिव सिग्नल ही बाइंग किया, इनडिसिव सिग्नल टुवर्ड्स लोअर साइड दिया है, तो यहाँ से फर्दर फॉल के लिए ये तैयार है और 165 वापस जाने को तैयार है। ये वापस जो आपको है 165, इस बार अगर 165 आपको टूटता है तो आपको यहाँ से जो आपका इसका लो है, आप देखेंगे इसका 164 के आसपास लो जो बनाया था इसने, आप अगर कोई किसी के पास बाइंग पोजीशन है तो आप इसका 164.60 जो इसका लो है उस पर सपोर्ट लें, अदरवाइज वो 135 भी दिखाने को दिखा सकता है। तो आप 164 का सपोर्ट के साथ ही बने रहे पोजीशन, अदरवाइज 135 जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो बाय करके बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको तो जाना है 5 साल में, आपको देखना 600 रुपये तो दिख ही जाएगा, 3-4 साल में ही दिख जाएगा आपको, तो ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी जो आती है वो स्मार्ट मनी आएगी 267 के बाद या अप्रोक्स 250 के बाद ही स्मार्ट मनी इसमें इन करने वाली है। तो अगर आपको स्मार्ट मनी के साथ, स्मार्ट मनी कहते हैं वो जो कि लेने के बाद ज़्यादा दिन तक फंड होल्ड नहीं करते हैं, उनको 6 महीने साल भर में 2 साल में डबल करके निकलना है उनको फंड हाउस को, तो वो लोग अभी इसमें इन नहीं होने वाले हैं। स्मार्ट मनी आपको 250 ऑनवर्ड्स ही आएगी, 260 के पास आएगा, और वो भी उस समय अगर सारे इसके इन्वायरमेंट रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, जो प्लीजिंग दिखा रहा है वो सब आएगा, कोई न्यूज़ भी आएगा इसमें, कोई अच्छा खासा इसका सेल होगा, सारे पॉजिटिव न्यूज होंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 250 ऑनवर्ड्स आपको एक्यूमुलेशन दिखेगा, अच्छी खासी बाइंग देखने को आपको मिलने लगेगी, और वहाँ से ये आपको ईजिली आपको आपको 433 रुपये दिखा देगा, और 433 के बाद 506 भी दिखा देगा, 506 के बाद 598 भी दिखाएगा, तो 600 लेवल वहाँ पे जाने के बाद जा सकता है। 433 आते आपको बहुत समय नहीं लगेगा, ये जितना इधर आपको रुलाया है उतना ही फास्ट हुआ एग्रेसिव रिटर्न देने वाला है, जितना देर ये पोजीशन इधर कर रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 150 के आसपास आप 150 के अराउंड 160 के अराउंड आप इसको एक्यूमुलेट करें छोटा छोटा क्वांटिटी लेके SIP करके, और जब ये आपको 267 क्रॉस करे तो वहाँ पे आप अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाई करें, तो फिर वहाँ से आपकी स्मार्ट मनी भी चल गई और नीचे आपका एवरेज भी होते रहा। तो टाटा मोटर्स में ये व्यू था मेरा, अल्टीमेटली जो भी देखे इसमें अभी भी पॉजिटिवनेस मुझे नहीं दिख रही है इसमें टाटा मोटर्स में, तो अच्छी कंपनी है, सब चीज़ अच्छा है, अभी शेयर ये गिरवी भी रख देते हैं तो आदमी कहाँ से माने कि प्लीज़ क्यों किया इन्होंने, शेयर को गिरवी क्यों रखा, अगर इनके पास फंड था और कंपनी अच्छी चल रही है तो इनको सबसे पहले अपने प्लीज़ को तो हटा देना चाहिए, हटाने दीजिए, ये सब काम करते करते हो सकता है 2 साल भी लग जाए यहाँ से। तो मुझे लगता है कि 135 एक बार 140 तो जरूर टच करेगा ये, और 164 लास्ट सपोर्ट है, तो अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो शॉर्ट करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लॉन्ग बनाने के लिए मुझे, मैं अभी सहमति लॉन्ग के लिए नहीं, अगर किसी को शॉर्ट करके चलना है तो आप शॉर्ट करके यहाँ से चल सकते हैं, फ्यूचर में शॉर्ट होता है। ये सारे एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, और आपको कोई भी पोजीशन बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ मैं ज्ञान की बातें बताता हूँ, और चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट पे क्या सिग्नल है, चार्ट पे क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो टाटा मोटर्स में अभी भी स्टिल, मैंने आपको एक महीने पहले बताया था जब वो 216 पे था, आप ये देखेंगे ये वीडियो देखिए, जब ये 216 पे था तब मैंने ये वीडियो आपको दिया था, और तब मैंने आपको बोला था कि ये 130-135 तक जा सकता है। आप इस वीडियो के कंटेंट्स में अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पे पुट भी लेने की सलाह दी गई थी। तो अब अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, शायद यहाँ कहीं पे आपको बताया होगा 135 के आसपास, आप डिटेल जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा, इसका हेडिंग भी है न्यू टारगेट 130-150, ये टारगेट के आसपास 164 तो एक बार आ चुका है, तो यहाँ से आपको और भी लो देखने को मिल सकता है, यहाँ पे जाके सुनेंगे तो आपको शायद पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पोजीशन बनाएं या नहीं बनाएं यहाँ पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ बताऊँ, रिसेंटली एक और चार्ट वॉल्यूम चार्ट पे इसको भी दिखा दूँ, वहाँ पे भी एक्चुअली ये निगेटिव पोजीशन बनाया है, अगर मैं इसका वॉल्यूम जो आपको हर बार बताता हूँ, यहाँ पे इस सेंटीमेंट है इसका 69% पॉजिटिव है, तो अगर ये वॉल्यूम चार्ट पे भी जाए तो ये निगेटिव वॉल्यूम से वेटेड एवरेज से देखिए लो बना रहा है, इसके वॉल्यूम वेब के अनुसार 184.81 होना चाहिए, तो एक ये जो प्राइस क्लोजिंग दिया 184.15 दिया है, मीन्स ये प्राइस को अभी भी वॉल्यूम के अनुसार फॉलो नहीं कर रहा, अपर साइड नहीं दे रहा है, तो यही सब दिखा करके मुझे अभी पॉजिटिवनेस अभी नहीं दिख रही है। आपको ये वापस 164 का लेवल दिखाएगा और वहाँ से नीचे जाकर 150 और वहाँ से नीचे जाकर के 130-140
35 तक जाकर के आपको दिखा सकते हैं। लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें, बाइंग पोजीशन 250 के बाद आपको बनाना चाहिए। 250 के बाद अच्छा पोजीशन आएगा, न्यूज़ देख करके, माहौल देख करके वहाँ पे बनाइएगा। आपको स्मार्ट मनी वहाँ इन करेगी और वहाँ से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। इस सारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो दिए गए हैं। कोई भी फाइनेंशियल पोजिशन बनाने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। मैं आपके सामने ऐसी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव वीडियो, अच्छा पोजिशनल वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा। आपको कोई क्यूरी हो, आपको कुछ जानना हो किसी स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए बटन में देखिए कमेंट्स में आप चाहें तो पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको आपका अपडेट दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और क्रूड के बारे में आप देखें, जो मैंने क्रूड के बारे में बोला था 61 का क्रूड आएगा, वो भी वीडियो में दिया था, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे भी जाकर के देखेंगे वीडियो में, तो आपको वहाँ पे भी आपको जो यहाँ पे क्रूड के बारे में आप कल आपको 61 का क्रूड दिखने को मिल गया। ये देखिए ब्रेंट क्रूड, ये ब्रेंट क्रूड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ब्रेंट क्रूड में आपको जो लेवल देखने को मिलेगा 61 का, वो आपको एक मिनट ये भी बता दूँ। तो वो भी आपको देखने को मिल गया है और कल ही इसने 61.78 का लो बनाया, अच्छा खासा लो बनाया है। तो आपको ब्रेंट क्रूड में भी जो देखने को था वो दिख गया है, अब ऊपर लिया है। नेक्स्ट क्या ब्रेंट क्रूड में, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपको बता दूंगा, लेकिन ऑलरेडी उस चार्ट में भी दिया हुआ था ब्रेंट क्रूड में, तो आप शायद अगर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको 57 का शायद उसके बाद का टारगेट जो था 57 का था, तो वो आपको शायद वहाँ पे दिखाएगा 57 दिखाएगा ब्रेंट क्रूड। एक मिनट जस्ट मिनट होल्ड कीजिए, मैं देख रहा हूँ अगर आपको कहीं पे यहाँ पे जो पोजीशन है लिखा हुआ, तो अगर ये मिल जाता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता। ये थोड़ा सा आप रुकिए, आप मुझे ये देखिए ब्रेंट क्रूड 62 ये चला गया, ये रहा ब्रेंट क्रूड और जिस पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ था। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ पे आपको आएगा ब्रेंट क्रूड का जो रेट टारगेट दिया गया था वो 60, ये मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है तो ये चल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी आ गया कि ये देखिए 60 ये यहाँ पे बताया गया आपको, तो ये 61-62 का आपको जो ब्रेंट क्रूड बताया गया था वो आ चुका है और आप पोजिशन पर यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो ये रहा, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।